आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं केक बिल्कुल आसान तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ निगम। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। केक बनाने के लिए मैंने एक बाउल लिया है। अब यहाँ पे हम एक रखेंगे छन्नी। छन्नी में सबसे पहले हम डालेंगे मैदा। मैदा आप अपने हिसाब से ले लीजिए, कम या ज़्यादा। अब यहाँ पर डालेंगे चीनी और दोनों को बढ़िया से छान लेते हैं। हाफ टेबल स्पून इसमें मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा। हाफ टेबल स्पून इसमें थोड़ा सी भी कम है, देख सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। एक चम्मच में इसमें डाल रही हूँ नमक। अभी सब अब इनको हम बढ़िया से छान लेते हैं। सभी चीज़ों को हमने बढ़िया से छान लिया है। अब इसमें हम लेंगे दही। एकदम ये फ्रेश दही है, खट्टी बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे ऑयल। मैदा के हिसाब से लेना है, हम यहाँ पर 3-4 चम्मच ले रहे हैं। अभी सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स करेंगे। सभी चीज़ों को हमने बढ़िया से मिक्स कर लिया। अभी इसमें हम कुछ भी नहीं डाले हैं, ना दूध डाले हैं, ना पानी डाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसे बना है। तो अभी इसमें दूध की या पानी की ज़रूरत है, तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा करके दूध या पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूध लिया है, थोड़ा सा ही लगेगा इसमें, 2-3 चम्मच के बराबर, क्योंकि एकदम ये परफेक्ट है। दो तीन चम्मच के बराबर मैं यहाँ पे अच्छा फ्लेवर लाने के लिए कोको पाउडर डाल रही हूँ। इससे बहुत बढ़िया बन जाएगा और अच्छा कलर भी आ जाएगा। सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। केक के पेस्ट को हमने बढ़िया से बना लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छी रिबन बन रही है, एकदम परफेक्ट है। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहती हूँ, कोको पाउडर कभी भी डालिए तो ग्राइंडेड करके डालिए, उसको चाल के डालिए, तो एकदम परफेक्ट रहेगा, क्योंकि उसमें दाने दाने रहते हैं ना, तो परफेक्ट नहीं रहेगा। ग्राइंडेड करने में महीन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है। ये मैंने एक एक टेन लिया है, तो यहाँ पे हम सारा पेस्ट डाल देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपके पास एक टेन नहीं है तो क्या करिए, कोई बाउल ले लीजिए बढ़िया से, उसमें भी केक बहुत अच्छा बन जाता है। मेरे पास रखा था तो मैं इसी को यूज कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको बढ़िया से हम सभी को पेस्ट को डाल लेते हैं। तो लीजिए, हमने केक टेन में डाल दिया है। एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि पेस्ट को बिल्कुल ज़्यादा देर तक बिल्कुल नहीं रखना है। पेस्ट बनाइए, तुरंत बनाना शुरू कर दीजिए इसको। देखिए, हमने तुरंत इसको इसमें डाल लिया है केक टेन में। अब हम चलते हैं आगे का प्रोसेस करते हैं। गैस पे मैंने एक भगोना चढ़ा दिया था, थोड़ा चौड़े मुँह का है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैंने 5 मिनट पहले चढ़ा दिया था, तो काफ़ी अच्छी इसमें हीट आ रही है। तो अब क्या करेंगे, इसको धीरे से इसी में रख देंगे बिल्कुल आराम से। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने रख दिया है बहुत आराम से, मैं काफ़ी अच्छी हीट आ रही है। अब क्या करेंगे, हम इसको ऐसे करके ढक देंगे। अब मीडियम फ्लेम पे इसको हम 10-12 मिनट तक पकाएंगे। चलिए केक को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, बहुत बढ़िया परफेक्ट लग रहा है। हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, देखिए बिल्कुल नहीं लग रहा है। इसका मतलब है कि हमारा केक बढ़िया से पक चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका टाइम लगा होगा कम से कम पकने में 20 मिनट के करीब लगा होगा पकने में। बहुत परफेक्ट केक पक चुका है। अब इसको हम बाहर निकाल के रख लेते हैं ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारा केक बहुत बढ़िया रेडी हो चुका है। ये ठंडा काफी हो चुका है कि बहुत स्पंजी बना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत परफेक्ट है, मस्त एकदम बना। तो इसको हम डेकोरेट कर लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा लगाएंगे स्प्रेड, इससे बहुत बढ़िया हो जाएगा। इसमें बिल्कुल बराबर हम लगा लेते हैं। स्प्रेड हमने बढ़िया से लगा लिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने क्रीम लिया है। ये क्रीम हमने घर पे बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तुरंत अभी मैंने 1 घंटा पहले इसको बनाया है। अब इसमें हम थोड़ा डेकोरेट करेंगे इससे।
यहाँ पे मैंने एक पन्नी लिया है तेल वाली, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैंने कुछ ऐसे कट कर लिया था, इसको एक ग्लास में ऐसे लगा लिया है। अब इसमें हम क्रीम को डालेंगे। अगर आपको ये क्रीम चाहिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक मैंने दिया है क्रीम की वीडियो की, तो आप देख सकते हैं। देखिए हम सभी इसी क्रीम को बढ़िया से इसमें भर लेंगे। ये देखिए मैंने ऐसे रैपर में भर दिया है। अब इसको क्या करेंगे, कैंची के सहायता से थोड़ा इसका नुक्का काटेंगे। मैंने बढ़िया से काट लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छा निकल रहा है, बिल्कुल आसान तरीके से। अब हम इसको क्रीम से डेकोरेट कर लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो लीजिए हमारा केक बहुत अच्छा रेडी हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये मैंने जेली रखी थी तो इससे थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है, मुझसे जितना हो सका मैंने कर लिया है। अब आप अपने हिसाब से कर लीजिए केक में जैसे आपको पसंद हो। तो यहाँ पर आपको मैं साइड दिखाती हूँ, देख सकते हैं बहुत बढ़िया स्पंजी केक बना है। अभी मैं इसको कट करके नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, तो इसीलिए मैं अभी इसको काट नहीं सकती हूँ। तो आपको मैं ऐसे साइड दिखा सकती हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत परफेक्ट केक बना है। जरूर ट्राई कीजिए, घर में आसान तरीके से घर में बन जाता है। अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।